क्या आप जानते हैं कि एक रिसर्च में ये पाया गया है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू एक्चुअली बिहेव इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स एंड इन सोसाइटी, जिसकी वजह से उनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी सप्रेस हो जाती है, और कई बार इसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने फ्रेंड्स के बीच में एक ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर पाते हैं, अपनी फैमिली के बीच में एक मैच्योरिटी लेवल नहीं शो कर पाते, जिसकी वजह से घर के छोटे मोटे डिसीजंस भी उनको लेने के लायक नहीं समझा जाता है, अपने कॉलीग्स के बीच में वो एक सपोर्ट नहीं गेन कर पाते हैं, अपनी मनपसंद जॉब नहीं पा पाते हैं, और अगर मिल भी गई तो उन्हें उनकी मनपसंद सैलरी नहीं मिलती, और कई बार वो अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी तो किस्मत ही खराब है, और वो पूरा का पूरा ब्लेम डाल देते हैं भगवान के ऊपर कि पता नहीं भगवान उनसे क्या चाहते हैं और उनकी किस्मत ही खराब है। उन्हें ऐसी फीलिंग आने लगती है कि आखिर ये उनके साथ ही क्यों हो रहा है। कभी वजह जानने की कोशिश करी है आपने? अगर नहीं तो मैं बताती हूँ। इस दुनिया में जीने के लिए या सर्वाइव करने के लिए हमें 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। 1, हमारी पर्सनालिटी। 2, हमारी पर्सनालिटी। एंड 3, हमारी पर्सनालिटी। जी हाँ, हमारी पर्सनालिटी ही एक लौती ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम जो चाहे अपनी लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू schoolaster.com। मैं हूँ सुप्रिया, और आज इस वीडियो में मैं आपको कोई टिप्स नहीं देने वाली, बल्कि मेरा मानना ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में वाकई कुछ करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो हमें किसी की कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे शाहरुख खान, इलॉन मस्क, प्रियंका चोपड़ा, बिल गेट्स, ये सदी के वो महानायक हैं जिन्हें कभी किसी ने कोई टिप्स नहीं प्रोवाइड की, बल्कि इन्होंने सिर्फ एक प्रिंसिपल के जरिए, एक मूल मंत्र के जरिए अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया, और वो थी उनकी कुछ कर दिखाने की चाहत और हमेशा कुछ सीखने की लगन। क्या आप जानते हैं कि इन सब में वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है? वो है उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स। जी हाँ, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी एक लौती ऐसी स्किल होती है जिसकी वजह से आप अच्छा दिख सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अपनी एक अच्छी पर्सनालिटी क्रिएट कर सकते हैं, और आप लाइफ में जितनी चाहे उतनी सक्सेस पा सकते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, योर लुक्स। मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी, अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, लुक्स का मतलब सिर्फ गोरा होना नहीं होता, बल्कि ये आपके ओवरऑल आउटलुक प्लस हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी हेल्थ यानी कि आपकी फिजिकल फिटनेस, और सेकेंड नंबर पे आती है आपका ड्रेसिंग सेंस। आप अपने लुक्स के जरिए अपनी सोसाइटी में एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से लोग आपको जज करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये सेलिब्रिटीज इतने वेल ड्रेस्ड होते हैं, कितने वेल प्रेजेंटेबल होते हैं पब्लिक के बीच में, कितने परफेक्टली इनके बाल बने होते हैं, इनकी कितनी ड्रेसिंग कितनी परफेक्ट होती है, यहाँ तक कि इनके शूज़ भी इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसकी वजह से सबके सब उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और तो और लोग उनको आइडियलाइज तक करना शुरू कर देते हैं। रूल नंबर 2, योर वॉक। As important it is how good you look, it is as important how you walk. Walking shows your confidence and liveliness and gives you an edge to make a difference in the society. सिंपल सी वॉक एंड विथ सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, मोदी जी जस्ट स्टोल द शो। वो इवेंट तो आपको याद ही होगा, द हाउडी इवेंट, जहाँ पे इवन ट्रंप्स पर्सनैलिटी वॉज कम्प्लीटली सबसाइडेड बाय मोदी जीज मैग्निफिसेंट चार्म। आखिर ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ रीजन नंबर 1, उनकी कॉन्फिडेंट वॉक। रीजन नंबर 2, उनका वेलकमिंग बिहेवियर। रीजन नंबर 3, उनका हैंडशेक करने का तरीका। एंड रीजन नंबर 4, उनकी हिप्नोटाइज कर देने वाली स्पीच। और ये सारी चीज़ें मिलके बनती हैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मोदी जी केवल इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लीडर के तौर पर काउंट किए जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो। जो डर गया समझो मर गया। होली कब है? कब है होली? कब? ये कोई डायलॉग था?
वेल अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सी कॉन्वर्जेशन थी या नॉर्मल सा क्वेश्चन जो आप और हम भी अक्सर अपने फैमिली या फ्रेंड से पूछते हैं कि आखिर होली कब है। बट आखिर अमजद खान ने ऐसा क्या डिफरेंट किया उसमें कि बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई उस डायलॉग को इस तरह से जानते हैं कि आज भी वो डायलॉग हम सबके दिलों में राज करता है। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरह अमजद खान ने इस डायलॉग में हल्के हल्के पॉजेस के साथ अपनी वॉइस को लाउड किया, जिसकी वजह से कि इतना इफेक्टिव डायलॉग निकला कि हम आज भी अगर लोगों से पूछते हैं कि होली कब है तो हम ऐसे नहीं बोलते बल्कि इसको ऐसे बोलते हैं, होली कब है। इसके साथ साथ आप अपनी कॉन्वर्जेशन में ह्यूमर भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 चांद लग जाएंगे। और ह्यूमर का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई जोक क्रैक कर दिया या फिर आपने किसी का मजाक उड़ा दिया, बल्कि आपने अपनी ही बात को एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ इस तरह से प्रेजेंट किया कि किसी ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया और वो ऑटोमेटिकली आपके सराउंडिंग को लाइट और फनी बना देता है। सर, आपके पास कितने अवार्ड होंगे? मैं अपने अवार्ड्स वगैरह नहीं गिनता यार, 155 है टू बी 100 एंड उसमें से खरीदे कितने आपने? थोड़े 150 देखा आपने कैसे एक सिंपल से क्वेश्चन के आंसर को शाहरुख खान ने कितने सरप्राइज एलिमेंट के साथ दिया कि पूरी की पूरी ऑडियंस एकदम से लाइट हो गई और एकदम फनी एनवायरनमेंट के साथ सबके सब हंसना शुरू हो गए। हमारा नेक्स्ट टूल है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग लोगों के दिमाग से होकर दिल तक जाने का सबसे आसान रास्ता है। आपने बचपन में जितनी भी सीख सुनी होगी वो किसी ना किसी कहानी के माध्यम से ही सुनी होगी, जो कि आज भी हमें याद है। स्टोरी टेलिंग के जरिए हम कठिन से कठिन बात को भी इतने आसान से शब्दों में अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस हमसे हुक भी हो जाती है और हम खुद को एक इफेक्टिव स्पीकर के तौर पे भी लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। कि शतरंज से आप जिंदगी के बारे में बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। पहली ये कि कोऑपरेशन और साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है। दूसरी ये कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरी ये कि जो छोटे लोग होते हैं, जो आप समझते हैं, कई लोग ऐसी बात मानते हैं, जो पॉन्स होते हैं, जो प्यादे होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करना जिंदगी के अंदर। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा हमेशा जिंदगी में काम आता है। इस स्टोरी में शाहरुख खान चाहते तो डायरेक्टली भी आंसर कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अपने पास्ट को प्रेजेंट से कंबाइन करते हुए इतना इफेक्टिवली अपनी बातों को प्रेजेंट किया कि पूरी ऑडियंस उनकी बातें सुनने के लिए मजबूर हो गई। शाहरुख खान की यही स्टाइल बनाती है उन्हें सबसे अच्छा होस्ट, सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा इंसान। इस रिस्पेक्ट द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किस तरह से जब आप अपने बच्चों को आप कहकर बुलाते हैं तो वो भी आपको आप कहकर ही बुला रहे होते हैं। यहाँ पर आपने उन्हें ये नहीं सिखाया कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, बल्कि आपने उन्हें वो रिस्पेक्ट देकर दिखाया कि हर किसी को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जिसके बदले में उन्होंने भी आपको रिस्पेक्ट दी। और यही सेम हमारी सोसाइटी में भी होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी जिस पोजीशन पे है वो चाहते तो वहां से जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसरो चीफ को गले लगाया और उन्हें कंसोल किया, क्योंकि वो जानते थे कि वो इस समय बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और उनकी ये छोटी सी एक्टिविटी ना केवल इसरो चीफ का हौसला बढ़ाया, बल्कि उन्हें पूरे देश में और भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। इस वीडियो में मैंने आपको कोई टिप्स नहीं प्रोवाइड की, बल्कि मैंने आपको अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी शो की, जिनकी हेल्प से आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपनी खुद की पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। और अगर आप एक टीचर हैं तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे आपको देखकर आपसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बच्चे आपसे वो नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखाते हो, बल्कि बच्चे आपसे वो सीखते हैं जो आप उन्हें करके दिखाते हो। और ये सारी क्वालिटीज़ जब वो अपने टीचर्स के अंदर देखते हैं तो उनके अंदर भी ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं कि कैसे दूसरों को रिस्पेक्ट दी जाए, कैसे एक हाई इमोशनल क्वेश्चन डेवलप
किया जाए, कैसे एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप किया जाए और कैसे आपकी स्टोरीज के माध्यम से वो सक्सेस के साथ साथ फेलियर से भी कैसे निपट सकते हैं वो भी आपसे सीख रहे होते हैं और साथ ही साथ एक सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी बन रहे होते हैं। सो कीप ऑब्जर्विंग एंड कीप लर्निंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।